हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब को अपना खुद का गाया हुआ गीत बिल्कुल ही पसंद नहीं था। रफी साहब करते थे अपने ही गाए हुए गीत से नफरत। बिल्कुल ही नई कहानी आप सभी के लिए। मैं जितेश दवे, आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। किसी भी कहानी को फैक्ट्स चेक किए बिना प्रस्तुत करना हमारी फितरत में नहीं। जिस कहानी का आधार हमारे पास होता है, उसी कहानी को हम आप सबको सुनवाना पसंद करते हैं। मोहम्मद रफी साहब को अपना खुद का गाया हुआ एक गीत बिल्कुल ही पसंद नहीं था। यहां तक कि रफी साहब इस गीत से सही मानों में नफरत करते थे और किसी को सुनवाना भी पसंद नहीं करते थे। ये सत्य कहानी हमें जानने को मिली है हिंदी फिल्म की मशहूर मारूफ प्लेबैक सिंगर, मशहूर गुलुगारा उषा टिमोथी जी ने। उषा टिमोथी जी जिन्होंने अपना संगीत का कैरियर मोहम्मद रफी साहब के साथ काफी लंबे अरसे तक कामयाब तरीके से बिताया या गुजारा कह सकते हैं। आज भी उषा टिमोथी जी के पास मोहम्मद रफी साहब से वाबस्ता बहुत सारी सच्ची कहानियां मौजूद हैं। किस्सा कुछ यूं है कि मोहम्मद रफी साहब और उषा टिमोथी जी एक बार अपनी कार से एक स्पेसिफिक रफी साहब की जगह थी जहां पर वो नाश्ता करना पसंद करते थे। वो जा रहे थे महाराष्ट्र के तलोजा गांव में, जहां पर वो अक्सर बिरयानी खाने रफी साहब जाया करते थे। तो जब शॉप पर उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, तब रफी साहब अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जाना पसंद नहीं करते थे, तो उनका खाना गाड़ी में ही आने वाला था। उस वक्त रेडियो पर रफी साहब ने ऑन किया तो गीत बज रहा था। उस गीत को जब सुना तो उषा टिमोथी जी से रफी साहब ने कहा कि ये गाना जल्दी आप बंद कर दे, मुझे ये गाना कभी नहीं सुनाना, और यहां तक कि तुम भी कभी ये गाना मत सुनना। बताते हैं आपको कि गाना था कौन सा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। साल 1948 में बनी ये फिल्म थी प्यार की जीत। इस फिल्म के लिए रफी साहब ने ये गाना गाया था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई यहां गिरा। हालांकि ये गाना बड़ा ही पॉपुलर है आज के दौर पर भी, और रफी साहब के चाहने वाले इस गीत को बड़े प्यार के साथ, चाव के साथ सुनते हैं। लेकिन रफी साहब को ये गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वजह मालूम नहीं कौन सी रही, लेकिन रफी साहब ने इस गीत को कभी पसंद नहीं किया। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। हदों में रहकर कभी कामयाबियां मिला नहीं करती, उसके लिए तो हदें पार करनी पड़ती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वॉटर, सेव अवर मदर अर्थ।